Okay, so in the last video, I had discussed about the tissue system. So today we'll try to understand about the ground tissue system. As you see, previous video mein hum log ne discuss kiya tha epidermal tissue system ke baare mein aur epidermal tissue system ke baare mein baat kar liya tha. Ground tissue system aur vascular tissue system hamara bacha hua reh gaya tha. To chaliye hum log baat karte hain. So our next topic is ground tissue system. Ground tissue system, right? We'll discuss about the ground tissue system. ठीक है? इस वीडियो में हम लोग ground tissue system और vascular tissue system को कवर करने का कोशिश करेंगे. तो ground tissue system में आपने देखा कि ground tissue system क्या होता है? पहले तो मैं बता दूँ ground tissue system. अगर epidermal tissue system को छोड़ दीजिए और vascular tissue system को छोड़ दीजिए, तो epidermis है ना? Epidermis और vascular tissue system को छोड़ करके except epidermis and vascular tissue system जो भी चीज आएंगे, previous year में question भी आ चुका है. आप देखिए 2011 में ये question पूछा गया है IPMT में कि ground tissue system क्या include करता है. तो ground tissue system includes all tissue except epidermis and vascular tissue. ठीक है, एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को, और अगर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी चीजें बच जाती हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट आता है. ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता क्या क्या है. देख लीजिए, पहले तो आप समझ लीजिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का बना हुआ होता है. किसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू. आपको बता चुके सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट? तो ये इट इज मेड बाय सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट परमानेंट टिश्यू ये किसका बना हुआ है बच्चों? सिंपल परमानेंट टिश्यू का. ठीक है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या क्या आता है? तीन आता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं. प्रीवियस वीडियो आप देखिए, पैरेन्काइमा, फिर कोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा. ठीक है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन चीजें आती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा. इन्हीं तीन टिश्यू से बना हुआ होता है हमारा क्या? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ दीजिए और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दीजिए, तो जो भी चीज बचता है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है. ठीक है, अब ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ठीक है, इसलिए आप कई सारे बुक्स में देखोगे कि इसको फंक्शनल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है बच्चों. क्या बोला जाता है? फंक्शनल टिश्यू सिस्टम. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल टिश्यू सिस्टम, है ना? प्लांट के अंदर में जो मैक्सिमम फंक्शन होते हैं दैट इज परफॉर्म बाय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल टिश्यू. अब देखो इसमें क्या क्या आता है. तो आपको पता है कि भाई एपिडर्मिस को छोड़ दो, वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, सारा चीज आपको पता है. क्या क्या आएगा? तो इट इंक्लूड्स कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में लिखेंगे. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या? तो आपको लिखना होगा हाइपोडर्मिस, फिर हो गया आपका जनरल कॉर्टेक्स. ठीक है, एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका जाकर के? पेरिसाइकल. ठीक है, उसके बाद फिर आपका मेडुलरी रेस.
एंड पिथ। तो ये जितने भी होते हैं, मेडुलरी रेज हो गया, पिथ हो गया, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग तो डिटेल से बात करने वाले हैं ही, बाद में तो हम लोग बात करेंगे ही इस पे डिटेल से। तो इन सारे चीज, ये सारे जो चीज है, ये जो सारे टिश्यू है वो सब क्या है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के बने होते हैं, और ये सारे जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट माने जाते हैं। याद रखना है, पिथ जो है बच्चों, ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, पिथ भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, और मेडुलरी रेज भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पिथ जो है, अब देखो क्या है पिथ में, आप पोजीशन देखो तो पोजीशन के हिसाब से तो पिथ बिल्कुल सेंटर में है। रूट, अगर प्लांट का स्टेम काटो या रूट काटो तो प्लांट के स्टेम में जैसे आप देखेंगे तो पिथ बिल्कुल सेंटर में है, जहां पे पिथ प्रेजेंट है वहां की बात कर रहा हूं। कहीं पे एब्सेंट भी होता है, कहीं प्रेजेंट होता है, वो कहां एब्सेंट है कहां प्रेजेंट है वो एक अलग मुद्दा है, वो मैं बात कर भी चुका हूं पहले और बाद में भी बात करेंगे। तो पिथ इज अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, पिथ भी है, मेडुलरी रिज, और ये तो आप जानते हैं, हाइपोडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस के नीचे वाला लेयर, जनरल कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल हो गया। तो इन सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट मानते हैं। ये याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, आप कॉपी में इसको उतारिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है बच्चों, अब ये तो आप समझ लिए कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, ये तो स्टेम या रूट की बात हो गई। ठीक है, कि रूट में आपसे कोई पूछा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आप बता सकते हो कि कॉर्टेक्स आता है, पेरिसाइकल आता है, एंडोडर्मिस आता है, ये सब सारी चीजें आती हैं। स्टेम में क्या आता है, अब लीफ की बात है, लीफ में, तो जब लीफ में देखोगे तो लीफ में भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, है ना। लीफ में आपने जाना मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, मीजोफिल टिश्यू का नाम जानते हो ना, मीजोफिल टिश्यू जो होता है एपिडर्मिस, प्लांट के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, एडैक्सियल, अबैक्सियल, वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस पे के बीच में जो मीजोफिल सेल्स पाया जाता है वो क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं, यह जो है एक प्रकार का पैरेन्काइमा है, दैट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक सेल्स होता है, इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दिस मीजोफिल सेल्स ऑफ लिविंग ऑफ लीफ इज आल्सो ए व्हाट, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, क्लियर, समझ में आ गया। तो मीजोफिल सेल जो होता है वो लीफ का ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, स्टेम के केस में आपने देख लिया, रूट के केस में आपको पता हो गया, तो ये सारे जो है वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। ग्राउंड टिश्यू के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे जब इनका स्टडी करेंगे, हम लोग एक एक करके जब हम लोग रूट और स्टेम का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही समझना है कि ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है, क्या नहीं आता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आता है वो तो आपको पहले से पता हो गया। जिसको अगर आप वास्कुलर टिश्यू को छोड़ दो और एपिडर्मिस को छोड़ दो तो बाकी सब जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। अब हमारा जो अगला, ये सेकंड नंबर का पॉइंट था, पहला जो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है उसमें एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मल आउटग्रोथ, जैसे रूट हेयर की बात किया था, ट्राइकोम की बात किया था, तो ये सब पता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सॉरी व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम लोग वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब हमारा है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में देखो कि क्या है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में आपको पहले बता चुका कि वास्कुलर टिश्यू जो होता है, यू नो वास्कुलर टिश्यू इज द कंडक्टिंग टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू जो होता है, वास्कुलर टिश्यू, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ठीक है,
अब इसमें दो चीजें आती है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड के कंडक्शन के लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल है. तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये दोनों मिल करके ज्वाइंट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट भी हो जाते हैं या फिर एक साथ रहते हैं प्लांट के अंदर में, तो इसी को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल. तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या कंस्टिट्यूट करेगा? वैस्कुलर बंडल, यानी वैस्कुलर बंडल इज मेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, विथ और विदाउट कैम्बियम, कैम्बियम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. अगर कैम्बियम हुआ तो ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल, और नहीं है तो क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल. ठीक है, वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप का भी हो सकता है और क्लोज टाइप का भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है. ठीक है, तो ओपन वैस्कुलर बंडल में क्या है? कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट, और यहां पे क्या हो गया? कैम्बियम एब्सेंट. ठीक है, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट, तो कैम्बियम प्रेजेंट. अब चूंकि ये कैम्बियम जो होता है वो वास्कुलर टिश्यू के बीच में होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसलिए इसका नाम होता है वास्कुलर कैम्बियम. दिस इज कॉल्ड नॉट सिंपली कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम भी कर से. कैम्बियम भी कई प्रकार के होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम होते हैं, कॉर्क कैम्बियम होते हैं, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, तो कैम्बियम भी अलग टाइप के होते हैं. ठीक है, तो ये देखिए वास्कुलर. अब ये जो वास्कुलर बंडल है इसमें टिश्यू का कैसे कैसे अरेंजमेंट है, राइट? ये जो टिश्यू है, जो इसमें जाइलम और फ्लोएम है, इसका अरेंजमेंट कैसे कैसे है? क्या जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो चुके हैं या जाइलम फ्लोएम अलग अलग है? तो किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम अरेंज है, इसके आधार पर हमने वास्कुलर बंडल को फर्दर क्लासीफाई किया है तीन कैटेगरी में. तो आप यहाँ पे देखिए वास्कुलर बंडल, इसको ये तीन तरह का होता है वास्कुलर बंडल जो होता है, इसका फिर से फर्दर क्लासिफाई हुआ है. पहला जो है मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है. फर्स्ट इज कॉल्ड रेडियल वास्कुलर बंडल, रेडियल वास्कुलर बंडल शॉर्ट में लिखा चलेगा. ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा बोलो जी, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल चलेगा. ठीक है, और थर्ड क्या है? कंसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल. तो तीन प्रकार के वास्कुलर बंडल होते हैं. कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के वास्कुलर बंडल, रेडियल वास्कुलर बंडल, कंजॉइंट वास्कुलर बंडल और कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल. थ्री टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, वास्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ रहते हैं. किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं, तो इसके अरेंजमेंट के आधार पे है ना, ये जो तीन तरह के वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल मतलब क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट वास्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम को आप कमांडली क्या बोलोगे? वास्कुलर बंडल बोलोगे. ठीक है, इसमें बीच में कैम्बियम होगा भी नहीं भी होगा? होगा तो ओपन टाइप, नहीं होगा तो क्लोज टाइप. ठीक है, अब देखिए तो रेडियल वास्कुलर बंडल, कंजॉइंट वास्कुलर बंडल और कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल. क्लियर? अब हम देखते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल. तो रेडियल वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेपरेट होता है, डिफरेंट रेडियाई पे लोकेटेड होता है. ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम्स आर सेपरेटेड, सेपरेटेड है ना, सेपरेटेड एट डिफरेंट रेडियाई. ये डिफरेंट रेडियाई पे होते हैं. जैसे इसका एक अब देखिए डायग्राम बना करके हम दिखाते हैं जैसे कैसे होता है वास्कुलर बंडल. ठीक है, ठीक है, ये आपका वास्कुलर बंडल है, समझ में? ये सब आपका जो मैं दिखा रहा हूं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, मान लीजिए ये फ्लोएम है. ठीक है, ये फ्लोएम मान ले रहा हूं. ठीक है, इस तरीके से मैं फ्लोएम मान लिया. और यहां पे मैं इधर जाइलम दिखा रहा हूं. ठीक है, दिस इज जाइलम. तो ये जाइलम जो है
ये आप जाइलम देख रहे हैं, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है, देखो यहां जाइलम है, फिर यहां फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर अल्टरनेट, ठीक है। देखो यहां जाइलम एंड फ्लोएम आर अल्टरनेट एंड सेपरेट एट डिफरेंट, है ना, आर अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है, ठीक है, एंड डिफरेंट रेडियाई पे होता है। देखो ये यहाँ पे है, यहाँ है, तो जाइलम फ्लोएम जो होता है एक अलग अलग है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दिस इज द जाइलम। अब आपसे एग्जांपल पूछा जाता है कि बताओ भाई इस तरह का जो रेडियल वैस्कुलर बंडल है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा रेडियल वैस्कुलर बंडल जितने भी मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है, सब में पाया जाता है। मोनोकॉट और डाइकॉट जितने भी पौधे होते हैं सब में जो है वो रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है, सब में पाया जाता है। अब इसमें कुछ तो एक्सेप्शन, थोड़ा बहुत कुछ एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। सो कहाँ पे पाया जाता है, है ना, कहाँ पे पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट में पाया जाता है, डाइकोट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट के सर्टेन जो है प्लांट्स हैं तो उनके रूट में पाया जाता है। तो इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द रूट्स, है ना। एग्जाम्पल कहाँ हो गया, रूट में, रूट में, रूट ऑफ, रूट ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इट इज। अब कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन याद रखिए, जहां, चलिए एक्सेप्शन मैं इसका इधर कहां लिखूं, चलिए ठीक है मैं इधर लिख रहा हूं, है ना। इसको देखो, ये जो रेडियल वैस्कुलर बंडल का एक्सेप्शन कहां नहीं पाया जाता है, किसके रूट में नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक्सेप्शन में जैसे आपका हो गया रेडिस, रेडिस के रूट में नहीं पाया जाता है। फिर आपका हो गया, आपका जाए कैरोट, कैरोट में नहीं पाया जाता है। फिर आपका हो गया जैसे बीट रूट, बीट रूट, बीट रूट में भी नहीं पाया जाता है। तो इनमें किस तरह का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है भाई, जब रेडियल नहीं पाया जाता है तो किस तरह का, और पौधे में तो रेडियल पाया जा रहा है, तो इसमें जो होता है वो कंजॉइंट कोलैटरल होता है। तो इसमें कैसा वैस्कुलर बंडल होता है, कंजॉइंट कोलैटरल, ठीक है। अब कंजॉइंट कोलैटरल क्या होता है, तो अब कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल को हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कंजॉइंट कोलैटरल क्या होता है, है ना। कंजॉइंट कोलैटरल कैसा होता है, कंजॉइंट में ही टाइप होते हैं, कंजॉइंट में एक कोलैटरल होता है, एक बाइकोलैटरल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है, हम लोग कंजॉइंट पे, तो ये तो हमारा जो वैस्कुलर बंडल हुआ ये कौन हो गया, रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब हम लोग आगे देखें, अब हम लोग आगे देखेंगे कौन सा वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कंजॉइंट, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में आप देखोगे ये दो प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, एक होता है कोलैटरल, कोलैटरल, और एक होता है बाई कोलैटरल, बाई को, बाई कोलैटरल। तो कोलैटरल जो होता है ये भी दो प्रकार का हो सकता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल में क्या हो गया, देखो ये वैस्कुलर बंडल मैंने बना लिया, ठीक है। नीचे साइड में जो है वो आपको मैं जाइलम बना दिया, व्हाइट कलर से सपोज जाइलम को बना दिया, ठीक है। और जो है वो इधर पिंक कलर से मैं फ्लोएम को बना दिया, ठीक है। दिस इज द फ्लोएम, ठीक है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। आउटर साइड में फ्लोएम होता है और इनर साइड में जाइलम होता है। अब मान लीजिए जाइलम फ्लोएम के बीच में ये व्हाइट कलर से मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कैम्बियम। तो कैम्बियम प्रेजेंट है, आउटर फ्लोएम होता है, इनर जाइलम होता है, बीच में कैम्बियम होता है, दिस इज कॉल्ड कैम्बियम। और ये हो गया जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, ठीक है। तो ये ओपन, अब क्लोज टाइप में क्या हो गया, दिस कैम्बियम इज एब्सेंट, बाहर की तरफ फ्लोएम रहेगा, अंदर में जाइलम रहेगा, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट देख लीजिए इसमें नीचे में व्हाइट व्हाइट कलर का आप जाइलम बना लीजिए और पिंक कलर से आप फ्लोएम बना लीजिए,
ठीक है। यहाँ कैम्बियम को आप येलो कलर से कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, येलो कलर से कैम्बियम को दिखा दीजिए, ठीक है। तो हेयर कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट। तो आउटर फ्लोएम, इनर जाइलम, ठीक है, ये कंज्वाइंट हो गया, कोलेटरल हो गया, तो कंज्वाइंट कोलेटरल वास्कुलर बंडल हो गया, ठीक है। कंज्वाइंट कोलेटरल में ये कंज्वाइंट कोलेटरल ओपन टाइप, ये कंज्वाइंट कोलेटरल क्लोज टाइप। अब बाई कोलेटरल में क्या होगा, जैसे मान लो अंदर साइड में जाइलम रहेगा, ठीक है, ये आपका वास्कुलर बंडल है, बीच में जाइलम हो जाएगा, ये हो गया आपका जाइलम, ठीक है, और इधर साइड में फ्लोएम हो जाएगा, साइड साइड से फ्लोएम हो जाएगा, दिस इज द फ्लोएम, ठीक है, ये हो गया आपका जाकर के फ्लोएम। तो दोनों साइड से ये फ्लोएम है एंड दिस इज जाइलम। अब इसमें भी ओपन और क्लोज टाइप का बना सकते हो, बीच में जैसे कि जाइलम है फ्लोएम है, तो यहाँ पे कैम्बियम डाल दीजिए, यहाँ पे कैम्बियम डाल दीजिए, तो ये ओपन टाइप हो जाएगा, ये क्लोज टाइप हो गया, तो ये बाइकोलेट्रल हो गया। अगला जो है हमारा वो क्या है, कंसेंट्रिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा कंसेंट्रिक में क्या होता है।